हेलो फ्रेंड, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ बैग डिज़ाइन। ये हमारी ब्लाउज़ है जिसकी मैं कटिंग ऑलरेडी करके रख चुकी हूँ। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारी लेस है जो बाजू पे लगेगी, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है डिज़ाइन के लिए। तो चलो अब हम कर लेते हैं इसके गले की मार्किंग। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, और जो नीचे का डीप है वो मुझे 4 इंच चाहिए। इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेंगे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। अब बाकी मैं आपको मशीन पे बताऊंगी सिल के इसे। ये देखिए, ये जो कपड़ा हमने कट करके रख लिया था, इसे हमें जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा अस्तर है और ब्लाउज पीस दोनों हमने कट करके रख लिया था। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है गले की। ये हमने गले की चारों तरफ सिलाई लगा ली है और नीचे भी हमें इसी तरह सिलाई लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। गले की भी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। इसे हमने पलट लिया है। चाहे तो आप इसके ऊपर प्रेस चला ले तो ये अच्छे से फिटिंग में बैठ जाएगा। ये मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। नीचे भी हमें इसी तरह सिलाई लगा लेना है, दबी सिलाई। ये देखिए, अब चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है ताकि वो इधर उधर खिसके ना। सेम इसी तरह इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से, इस तरह से। ये हमारा फोल्ड हो चुका है। इसे बराबर आप सेंटर फोल्ड कर लीजिए और कैनवास पेपर लेंगे। ये कैनवास पेपर है हमारा, इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये छोटा बड़ा है तो मैं बराबर कर लेती हूँ। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और हमें निशान लगाना है बराबर नीचे की तरफ, और यहाँ से हम शेप दे देंगे कॉर्नर से बिल्कुल इस तरह।
अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये हमारी कट की रेडी हो चुकी है। इसे हमें इस तरह से लगाना है ऐसे। इससे पहले हम इसे रेड कपड़े पे, जिस कपड़े का हमें डिज़ाइन बनाना है उस कपड़े के ऊपर इसे हम पेस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं। ये मैं मार्क कर रही हूँ जो ऊपर रहेगा वो। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं और इसे साइड में छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे ताकि फोल्ड करने में आसान हो। अब इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह सिलाई लगाना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। ये बनके हमारा रेडी हो गया है। और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसके ऊपर हम इसे इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ हमें इसे सिलाई लगा लेना है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। मैं गोल्डन कलर का लेस लगा रही हूँ इस पर। इस तरह से लेस लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे मैं कट कर लेती हूँ। इसके बाद अब हमें ऊपर से भी एक लेस लगाना है जो मैं रेड कलर का लगा रही हूँ। इस तरह से आप लेस लगा लीजिए। सॉरी, मैं आपको यहाँ बताना भूल गई, यहाँ पर हमें टक्स लगाना है। बैक से जो हम टक्स देते हैं वो, तो पहले आप टक्स लगा लीजिए उसके बाद फिर आप लेस लगाइए।
इस तरह से पहले हम दोनों साइड टक्स लगा लेंगे, उसके बाद हम लेस लगाएंगे इसके ऊपर। ये दोनों साइड मेरे टक्स लग चुके हैं, अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। एक और सिलाई लगा लेती हूँ किनारे पे। सेम इसी तरह इधर भी हमें लगाना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बन के हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।